हेलो एवरी वन इन बिगिन विद पार्टी डिस्कशन ऑफ जून 2023 पेपर ऑफ कम्पेरेटिव अनाटी और डेवलपेंटल बायोलॉजी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल ट्रू पैलेट इज फाउंड जो ट्रू पैलेट होती है हमारे अपर जो का जो पार्ट होता है वो टू पैलेट फॉर्म होती है मामल में केव डवेलिंग कैट प्रोड्यूस अल्ट्रासा क्राइज जो केव डेलिंग कट्स होती है उनकी जो अट्ट्रासािक वॉइस होती है वो किस वजह से होती है क्लिकंग ऑफ वजह से पॉलिस को ब्लॉक करने के लिए जो स्लो प्रोसेस होता है दट स्लो प्रोसेस बिकॉज ऑफ द कॉटिकल रिएक्शन इंडक्शन इंटरेक्शन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर इंस्ट्रक्टेड तो जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इंडक्शन इंटरक्शन होती हैं वो सारी क्या इंस्ट्रक्टिव इफ द सिग्नल फ्रॉम इंड्यूसिंग सेल कॉज अ न्यू जीन एक्सप्रेशन इन द रिस्पॉन्डिंग सेल वो इंस्ट्रक्टिव होंगी अगर जो सिग्नल रिलीज हो रहे हैं, उससे कोई ऐसा जीन एक्सप्रेशन बन जाए जो रिस्पॉन्डिंग uh, सेल में टारगेट सेल में कोई एक चेंज या कोई एक फंक्शन इंड्यूस करे नेक्स्ट जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गि पेरेंथिस अलफैक्ट्री लॉब्स आलफैक्ट्री लॉब्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होती है मैमल्स well में बर्ड्स में नहीं होती इन लैम्पर इज द पेट्यूट्री ग्लैंड रेगुलेटेड बाई हाइपोथेलमिक रेगुलेटिंग डैश फ्राम द टिश तो पट्यूट्री ग्लैंड को कौन रेगुलेट करता है हाइपोथेलमस कैसे रेगुलेट करता है फीडबैक मैकेजम के थ्रू ओके जी द जर्म

सबसे अंदर वाली लाइनिंग मायोडम जो होती है वो एंड एंडोडम और एपीडोम के बीच में होती है इट इज़ अ मस्कुलर लेयर और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो होगी एपीडोम इट इज़ द आउटर फाइब्र फाइब्रस ट्यूनिका कवर्ड बाय विसरल पेरिकार्डियम इसको लेयर करने के लिए कौन सी लेयर है पेरिकार्डियम द नेक्स्ट इज हेमी ब्रांच एंड होलो ब्रांच इंटरनल गिल्स आर कम्पोज ऑफ सीरीज ऑफ पैरल गिल लैमले ऑल्दो इन सम फॉर्म्स दे मे बी फिलामेंटस जो जो इंटरनल गिल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे पैरल लैमलेज होते हैं ठीक है कई कई में फिल्मेंट्स प्रेजेंट होते हैं अदरवाइज लैमले होते हैं दे मे बी बॉर्न ऑन बोथ साइड ऑफ द इंटर ब्रांकियल सेप्टा ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरब्रांकियल सेप्ट है उसके दोनों तरफ लैमले प्रेजेंट हो ठीक है बट इन सम केसेस आर प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड सो द सीरीज ऑफ गिल लैमले प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ ए इंटरब्रांक्यल सेप्टम आर टर्म एज हाफ गिल और हेमी ब्रांकील अगर सेप्टम के सिर्फ एक ही साइड पर लैमला प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे हेमी ब्रांच और अगर दोनों तरफ प्रेजेंट है टू हेमी ब्रांचेज जॉइंग द इंटर ब्रांकियल सेप्टर टू फॉर्म अ कंप्लीट गिल तो उसको बोलेंगे होलो ब्रांच नेक्स्ट है एंड थकोडोट एंड होमोडोंट टीथ आर अकोमोडेटेड इन होल्स कॉल्ड सॉकेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द जॉ बोन्स जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे सॉकेट के अंदर पूरी अटैच होते हैं और कहाँ जॉ बोन्स में द कंडीशन द टीथ आर प्रेजेंट इन सॉकेट इज नोन एज थीडोन जब जब वो टीथ सॉकेट के अंदर अटैच है तो हम उसको क्या बोलेंगे थीकोडोन द टीथ ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग फ्रॉग आर ऑल ऑफ सेम टाइप एंड सच अ कंडीशन इज नोन एज होमोडोन्ब होमोडोंट एक अलग फॉर्म है मतलब ये दोनों एक ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है थिकोडोंट को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो अटैच किस तरीके से ठीक है और अगर बात करते हैं हमारे हमारे दांत हैं सारे अलग अलग टाइप के, मतलब के नाइनोलि तो मतलब ये क्या हो गया हेड्रोडोन डेंटेशन लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह या कुछ बहुत स्मॉल वर्टिब्रेड जो होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं और इस टाइप के डेंटिशन को हम क्या बोलेंगे होमोडोन डेंटिशन नेक्स्ट इज आइसोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल एग्स आइसोलेसिथल एग्स वो होते हैं इन विच द योग इज मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग जो होता है वो नियरली इक्वली पूरे एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा किस में होता है मलक्स में होता है एम्फी में होता है एकाइनोडर्म्स एनल इनमें होता है सेंट्रोलेथल सेंट्रोलेसिथल मतलब कि सेंटर तो ये उनमें इंसेक्ट्स में जिनमें योग जो है वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड होता है इन द इंटीरियर एंड द सेंटर ऑफ द एग वेयर एज द साइटोप्लाजम इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पेरिफेरल लेयर अराउंड द योग और योग के आसपास जो सारी लेयर होगी वो किसकी होगी साइटोप्लाजम की सेल डि डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन दिस रेम ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लाज सो यहाँ पे मैंने डायग्राम लगाया हुआ है सो दैट आपको डेंटिशियन का आइडिया हो जाए कि जो आ, बेसिकली जो अटैचमेंट के टाइम अटैचमेंट uh, के बेसिस पे जो डेंटेशन होती है वो कौन कौन सी होती है अगर हम अटैचमेंट के टाइम पे uh, के बेसिस पे देखें ना तो तीन टाइप की डेंटेशन होती है थीकोडोंट एक्रोडोंट एंड थी, ठीक uh, थीकोडोंट को हमने पढ़ा कि टीथ आर सेट इन सॉकेट्स इन द जॉ बोन जॉ बोन के अंदर सॉकेट्स बने हुए हैं जहां पे टीथ अटैच है एक्रोडोंट में क्या होता है द टीथ आर अटैच ऑन द दर्फेस ये सर्फेस के ऊपर है मतलब कि अगर आप यहाँ देखो जॉ के अंदर एम्बेडेड नहीं है लेकिन इसको देखो जॉ बोन के अंदर एम्बेडेड है ठीक है ऐसा किस में होता है बहुत सारे नॉन वेमिलियन वॉटरब्रिज्स में मतलब अदर देन मामुल्स नेक्स्ट कंडीन क्लासिफिकेशन है प्लीरोड प्लूरोडौ, प्लूरोडौ, प्लूरोडौ में क्या होता था तीथ आर अटैच्ड टू द रिम रिम पे बाउंड्री पे तीथ अटैच है ऑन द इनर साइड ऑफ द जॉ जॉ की अंदर वाली तरफ रिम में अटैच है ठीक है तो ये हमें देखने के लिए किसमें मिलता है मॉडर्न एम्पेबियंस और लेजर्ड्स में उसी तरह अब क्योंकि आप टीथ पढ़ रहे हो अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और पेपर के परस्पेक्ट के हिसाब से आपको आप, आप देखोगे किसी में होमोडोंट हेटोडोंट आ रहे हैं पिछले पेपर में भी डेंटिशन पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे इसलिए अदर पिक्चर्स अगर आप टाइप ऑफ टीथ के बेसिस पे ऑन द पेरेंट्स के बेसिस पे देखोगे तो होमोडोंट और हेटोडोंट होमोडोन में यूनिफॉर्म सारे सेम टाइप के होते हैं हेटोडोंट में डिफरेंट टाइप के होते हैं उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दियर नेचर ऑफ रिप्लेसमेंट नेचर ऑफ रिप्लेसमेंट के बेसिस पे मोनोफाइडोंट डाइफाइडोंट एंड पॉलीफाइडोंट हम लोग जो है वो डाय है मतलब हमारी जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम है हमारे पास टू सेट ऑफ टीथ आते हैं एक टेम्प्रेरी

नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल फीचर्स ऑफ वेंट्रबल वर्टिब्रेट इन यूमेन आई एल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिकॉज ये हमने अननादर वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया बिकॉज इट इज अ कॉमन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि काफी पेपर्स में देखने के लिए मिल रहा है नेक्स्ट ओवर व्यू ऑफ आयोटिक आर्क ऑफ वर्टिब्रेट अब ये जो है ना ये क्वेश्चन बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई शुड से कि ये क्वेश्चन बिलोंग करता है चैप्टर नंबर फाइव से आयोटिक आर्क का और इस चैप्टर से आई हैव नोटिस अ पैटर्न कि कोई ना कोई फाइव मार्क्स कोई ना कोई फाइव या टेन मार्कर क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ रहे हैं तो अभी आई एम गिविंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ आयोटिक आक बट आई विल मेड अनदर वीडियो एल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आयोटे को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इन केस इफ इट कम्स इन टेन मार्क्स ठीक है इसके अलावा भी आई सजेस्ट कि आप इस चैप्टर फाइव को रीड uh, करके इसको जरूर सॉल्व करो इसको पढ़ो अच्छे से इसके चर्मल क्वेश्चन समेटिव असेसमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से करो ओके आयोटिक आक तो बेटा आयोटे आग बेसिकली होती क्या आप लोगों को ये पता होगा कि जो हमारा हार्ट होता है हार्ट से जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जाती है दैट लार्जेस्ट आर्टरी इज़ आयोटा ठीक है अब वो क्या कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रही है। अब हमें आयोटिक आंक का पढ़ने की जब ये आयोटा निकलती हैं तो इसकी कैसे कैसे ब्रांचेस बनती हैं और कैसे कैसे ये ब्रांचेस जो हैं वो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो बेसिकली वो जो आंख जो आयोटा से अराइज़ हो रही हैं दो हजार आयोटिक अगर आप इसका एक जनरल स्कीम देखो तो इस तरीके से होता है ये आयोटा है आयोटा जब अराइज होगी तो उससे बनेगी वेंट्रल आयोटा वेंट्रल आयोटा पीछे से घूम के बैकवर्ड एक्सटेंड करेगी और बनेगी डॉर्सल आयोटा ठीक है और फिर ये वेंट्रल आयोटा और डॉसल आयोटा आपस में कनेक्टेड होती है थ्रू दीज आयोटिक आर्क्स एंड देयर आर सिक्स पेयर ऑफ आयोटिक आर्क्स नॉर्मली जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बनती हैं वो कितनी होती हैं सिक्स पेयर लेकिन ओवर द टाइम द ऑर्गेनिज्म मच्योर्स डेवलप्स एंड बिकम्स इन एडल्ट तो तब तक कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर्स ऑफ आयोटिक आंख हमें देखने के लिए मिलती है कईयों के अंदर ज्यादा होती हैं कईयों हो के अंदर कुछ जो है वो degenerate हो जाती है अगर आप ये देखो ये एक बेसिक पैटर्न है ठीक है लेकिन अगर आप यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से दिखाई है ना मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये वाली और आयोटिक आर्क जो है वो प्रेजेंट नहीं है वो डिजेनेट हो चुकी है अगर बींग हम अपनी बात करें ह्यूमंस की तो हमारी आयोटिक आर्क्स भी ये सारी जो है ये सारी डिजेनेट हो चुकी हैं दे आर नॉट प्रेजेंट ओके नाउ कमिंग बैक टू द थ्योरी क्वेश्चन एन आयोटिक आग इस ब्लड वेसल कनेक्टिंग द वेंट्रल एंड डॉर्सल आयोटा तो आयोटिक आग वो है जो आगे वाली वेंट्रल और ये जो डॉर्सल था इनको कनेक्ट करती है वो आग कौन सी होती है आयोटिक आग टिपिकली सिक्स पेयर ऑफ आयोटिक आग्स डेवलप इन ईच वर्टिब्रेट एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रिय डेवलपमेंट इन ऑल द वर्टिब्रेट द एटीरियर एंड ऑफ द वेंट्रल आयोटा डिवाइड्स इंटू टू इंटीरियर होता है अपर एंड तो अगर आप यहां पर देखो इसका जो अपर एंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ठीक है डिवाइड्स इनटू सॉरी हाँ डिवाइड इनटू टू आर कॉल्ड आयोटिक आक्स विच कॉर्स डॉर्सली इनटू द मैंडबल रीजन जो धीरे धीरे करके डिवेलप होता है पीछे की तरफ बेंड करता है और वो फेरेंजल रीजन से नीचे जाते हुए कहाँ बन जाता है डॉर्सल पार्ट बनने लग जाता है डॉर्सल टू द फेरेंग्स दीज आर कंटिन्यूड पोस्टीरियरली वेयर दे आर नोन एज पेयर डॉर्सल आयोटिक तो फेरेंग्स इन डॉर्सली लोअर तरफ जाते हुए मतलब पीछे की तरफ डॉर्सल होता है बैक एंटीरियर होता है अपर पोस्टीरियर होता है लोअर डॉर्सल बैक और वेंट्रल फ्रंट ठीक है सॉरी तो अगर अब आओ डोर्सल टू द फैरिंग्स, दीज आर कंटिन्यू वेयर दे आर नोन एज पेयर डॉर्सल आयोटे जब ये डॉर्सली प्रोड्यूस करेंगे डॉर्सली एक्सटेंड करेंगी नीचे की तरफ तो वहाँ पे हम इसको बोलेंगे डॉर्सल आयोटी एडिशनल पेयर ऑफ आयोटिक आग्स देन अपेयर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर सीक्वेंस फॉर्मिंग द कनेक्शन बिटवीन द वेंट्रल एंड डॉर्सल आयोटा अब जो वेंट्रल आयोटा है और जो डॉर्सल आयोटा है उसके बीच में एंटीरियर टू पोस्टीरियर अपर टू लोअर जो है वो कनेक्शन बन रहे हैं जो कि किसके थ्रू फॉर्म हो रहे हैं आयोटिक आर्क के थ्रू ईच ट्रैवल थ्रू द टिशू बिटवीन एडजेसेंट फेरेंजियल पाउचेस अब अगर यहाँ पे देखो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं हुआ बट यहाँ पे फेरिंग्स होता है फेरेंजियल पाउचेस होते हैं और ये उसमें से पास कर रही होती है

Corresponding number. मतलब ये एंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है और इनको हम अलॉट करते हैं टू डॉर्सल आयोटे पोस्टीरियर टू द फेरेंजियल रीजन और ये जो डॉयर्सल आयोटे हैं ये फेरेंजियल रीजन के जब और पोस्टीरियर और बैकवर्ड मूव करेंगे और डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएंगी सिंगल डॉर्सल आयोटे ठीक है सो इट

एंड पोस्टीरियरली टू द सिंगल डॉ डोरसल आयोटा तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो वेंट्रल आयोटा से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है आयोटिक आर्स में आयोटिक आक्स से ये जो ब्लड है अब ये ब्लड कहाँ जा रहा है पीछे वाले डोरसल आयोटा में डोर्सल आयोटा में अपर रीजन से ये ब्लड कहाँ जाएगा हेड में और लोअर रीजन में जब ये ज्वाइन हो रहा है तो अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं सिंगल डॉर्सल आयोटा तो ब्लड कहाँ जाएगा सिंगल डॉर्सल आयोटा में ठीक है एंड फिर धीरे धीरे करके द ब्लड विल डिस्ट्रीब्यूट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सो एज वी गो अप द वर्टिब्रेट सीरीज वी कैन फाइन द नंबर ऑफ आयोटिक आर्क डिक्रीज फ्रॉम सिक्स इन फिशेज टू थ्री इन इन जैसे जैसे हम वर्टिब्रेट्स में ही और पढ़ेंगे जैसे लैम्प्रेज लंग फिशेज फिर उसके अलावा सॉरी लैम्प्रेज नहीं लंग फिश फिर उसके अलावा हमने पढ़ लिया एम्फिबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स तो हम देखेंगे जो आयोटिक्स आके वो धीरे धीरे करके नंबर में कम होती जा रही है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी हार्ट का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है वो और डेवलप होता जा रहा है जिसकी वजह से आयोटिक आर्क का नंबर रिड्यूज हो रहा है एंड प्लस इसका

फर्स्ट वाली मैडोबेर आग सॉरी जो फर्स्ट वाली जो आयोटिक होती है जिसको मैंडुबेलर आगू बोलते हैं वो सब में डिसपेयर या डिजेनरेट हो चुकी है सेकंड पेयर वाली सबके अंदर डिसअपेयर है सिर्फ किस में प्रेजेंट है इलासमो ब्रांच में थर्ड वाली जो है वो यहाँ प्रेजेंट है यहाँ प्रेजेंट है यहाँ प्रेजेंट है यहाँ सब में प्रेजेंट है और यहाँ पर वो किसका काम करती है कैरोटेड आर्ट्रीज का ठीक है इन सब में द थर्ड वन इज एक्टिंग एज कैरोड आर्ट्री और अगर आपको पता हो तो आयोटा जो होता है उसकी तीन ब्रांचेस होती है उसमें से एक ब्रांच का नाम होता है कैरोटेड आर्ट्री ठीक है उसके अलावा फोर्थ वाली भी सब में प्रजस्ट कर रही है फिफ्थ पेयर जो है वो अगेन डिसअपेयर हो जाता है किसम रेप्टल बर्ड मैमल्स और हायर एम्फीबियंस में ठीक है सो तो और जो सिक्स वाली है सिक्स ब्रांच जो है जैसे अगर हम डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें लाइक हमने कहा एम्योट्स की बात करें तो हायर एम्फीबियन रिप्टाइल बर्ड्स मैमल्स वगैरह की बात करें तो सिक्स पेयर जो है वो कैसे प्रेजिस्ट कर रहा है इट इज एक्टिंग एज द पल्मोनरी आर्टरी ठीक है तो यहां पर अगर आप एक पिक्चर देखो फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर जो है वो डिजेनेट हो गया है लेकिन थर्ड पेयर जो है वो प्रेजेंट है अगर हम देखें थर्ड पेयर हमें सब में प्रेजेंट मिल रहा है और थर्ड पेयर अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में वो किसकी तरह काम कर रहा है ह्यूमंस की बॉडी में थर्ड पेयर एक्ट कर रहा है कैरोटे आर्टरी की तरह ठीक है और सिक्सथ पेयर किसकी तरह एक्ट कर रहा है सिक्सथ पेयर एक्ट कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी की तरह सो बेसिकली दिस वॉज बेसिक थिंग्स अबाउट द आयोटिक आग so अगर आप इसकी पिक्चर जितनी ड्रॉ कर सको जितने ज़्यादा फीचर्स लिख सको तो उतना ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होगा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमिन दैट बिलोंग टू द ऑर्डर आरटीओ डिक्टाइला तो आर में बेटा जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे हैं लाइक शीप डियर, काउ तो जो हर्बीवर्स जिनको हम र्यूमिनट्स बोलते हैं ठीक है इनका जो र्यूमिनेंट्स होते हैं इनका जो स्टमक होता है ना वो फोर चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है र्यूमन जिसका मतलब पंच होता है रेटिकुलम ओमासम और एबोमैसम तो बेसिकली चार पार्ट्स हैं इनके स्टमक के र्यूमन रेटिकुलम ओमासम एंड एबोमैसम द एपिथिलियल ऑफ बोथ र्यूमन एंड रेटिकुलम इज हाईली रेमिन ऑफ दैट ऑफ द ईसोफेगस वन अ र्यूमिनेंट फीड्स ऑन ग्रास इट इज सैचुरेटेड बाय कॉपिस पासिस डाउन द ईसोफेगस टू द र्यूमन वेयर इट लाइज अंटिल द एनिमल फिनिशेज ईटिंग तो जब वो खाना खा रहे वो खाना च्यू होके च्यू होकर ईसोफेगस के थ्रू जाएगा और जाके कहाँ स्टोर हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा स्टमक के फर्स्ट पार्ट में दैट इज र्यूमन रूमन के अंदर स्टोर होगा और वहाँ पर वो ब्रेक डाउन होता रहेगा बायरिज माइक्रोफ्लोरा जो भी बैक्टीरियाज वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है वो उसको क्योंकि जो सलाइवा या जो एंजाइम रिलीज हुए हैं वो बहुत कम अमाउंट में हुए और यहाँ पे जो फूड ब्रेक डाउन हो रहा है माइक्रोफ्लोरा वगैरह की हेल्प से उसकी छोटी छोटी बॉल्स बन जाएंगी जिनको हम क्या बोलते हैं कट तो इट विल हैपेज वन द द ऑर्गेनिज्म इज इजेस्टिंग द फूड जब तक वो खा रहा है जब तक वो फूड इनटेक कर रहा है तब तक ये फूड जो स्टमक के फर्स्ट पार्ट में जाएगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा कड में वन जब फिनिशेज ईटिंग उसका ईटिंग प्रोसेस खत्म हो गया अब क्या प्रोसेस चलेगा डाइजेशन इस फूड को डाइजेस्ट कैसे करना है जो कड फॉर्म उसको फर्दर प्रोसेस कैसे करना है एट इट्स लेजर द र्यूमिन रिटर्न द कट टू द माउथ ये जो कट कट बना रही ह्यूमन में वो वापस कहाँ आएगा माउथ में वेयर द कड इज डेलिबरेटली च्यूड एट लेंथ टू क्रश द फाइबर और वो इसको कंटिन्यूसली च्यू करते रहेंगे अगर आपने कभी काउस वगैरह को देखा हो तो वो खाली अगर ऐसे खाली खड़े हैं तो दे आर कॉन्स्टेंटली च्यूइंग उनके जॉज मूव करते हुए हमें नजर आते हैं तो वो क्यों नजर आ रहे हैं क्योंकि वो जो कड है वो हूमन से निकल के वापस माउथ में आ रहा है सो दैट वो फर्दर वापस च्यू करे और उसको डाइजेस्ट करे इट इज अगेन वैलोड एंड द फूड रिटर्न टू द ह्यूमन वेयर इट इज डाइजेस्टेड बाए द सेलूलाइटिक बैक्टीरिया अगेन वो फूड जाएगा हूमन में और यहाँ पे सेल्यूलाइटिक बैक्टीरिया सेल्यूलाइटिक वो बैक्टीरिया जो

जितना भी प्लांट प्रोडक्ट होता है इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके हर्बी बोर्स का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्गर होता है उनका जो डाइजेशन है वो इसी तरीके से बना हुआ है कि जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है दैट इज वो उनकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो सके और डाइजेस्ट हो सके अ लार्ज अफ्रीकन एलिफेंट बिंग सिक्स टंज्यूम थर्टी फाइव टू वन फिफ्टी के जी ऑफ वॉर्ड ईच डेज ताकि उसको सफिशियट नरिशमेंट मिल सके अब जो फूड ईसोफेगस में गया ईसोफेगस से चला गया र्यूमन में फिर वापस आया माउथ में वापस गया र्यूमन में र्यूमन के बाद वो पास हुआ आगे के दैट इज रेटिकुलम चैम्बर एबोमैसम द इफ इस फेज द टू द्यूमन क्लोज टू इट्स जंक्शन विद द रेटिकुलम द ह्यूमन इज मच लार्जर देन द रेस्ट सबसे लार्जेस्ट टैंबर कौन सा है ह्यूमन इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन इज बिसेट विद न्यूमरस शॉर्ट विलायमन की मेम्ब्रेन में बहुत सारे शॉर्ट विलाय प्रेजेंट है द रेटिकुलम इज मच स्मालर देन दूमन हैज इट्स म्यूकस मेबरीइन रेज्ड अप इन टू अ नंबर ऑफ एनेस्टोमोजाइंग रिजिस तो यहाँ पर भी विलाय प्रेजेंट है बट विलाय नहीं यहाँ पे ना रिजिस की तरह प्रेजेंट है ठीक है इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है डीज आर केपेबल ऑफ क्लोजिंग टुगेदर इन सच अ वे सो एज टू कन्वर्ट द ग्रूव इनटू अ केनाल ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ बने हुए हैं कि ये केनाल फॉर्म करके एक चैंबर से दूसरे चैम्बर में फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं। The mucous membrane of omasum is raised into numerous longitudinal leaf-like fold. The abomasum, smaller than the human but larger than the reticulum, has a smooth vascular and glandular mucous membrane. तो यहाँ पे हमें सबकी membranes का बताया हुआ है. Reticulum की अगर हम बात करें तो reticulum की जो membrane होती है, उसमें present होता है बहुत सारे ridges, और उमासम की जो मेब्रेन है उमासं, उमासं की जो म्यूकस मेब्रेन है वहां पे लीफ लाइक फोल्ड प्रेजेंट है और एबोमैसम की जो म्यूकस मेब्रेन है म्यूकोसा है वो बहुत ज्यादा वैस्क्यूर है मतलब ब्लड से कनेक्टेड है ग्लैंडुलर है वहां पर बहुत सारी ग्लैंड है एंजाइम रिलीज हो रहे हैं सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द या अबाउट अ लिटिल डिटेल्स अबाउट द मेब्रेन तो यहां पे अगर आपको देखो आपको यहाँ पे एक साइकिल फेम में दिखाया हुआ है कि सबसे पहले र्यूमन स्वेलो हुआ फिर वो र्यूमन में गया वहां पे कट फॉर्मेशन होगी फिर वो मिक्स होता रहेगा होता रहेगा रहे हो, और रीमास्टिकेट होगा मतलब फर्दर ब्रेकडाउन होगा सो so, इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन है वांट अदरवाइज थियोरी पार्ट वी हैव डन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इन वर्टिब्रेथ रेस्पिरेशन इन वर्टिब्रथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन दिसंबर 2022 पेपर सो दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन नेक्स्ट थ्री फेसेस ऑफ टोटोजेनेस इन वर्टिब्रथ भी हम पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं सो दिस इज ऑल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन डिस्क्राइब विद्प ऑफ अ लेल डायग्राम द आई ऑफ अ बर्ड बर्ड शो अप्टेशन फॉर एरियल विजन एरियल विजन मतलब उन्हें हाइट से चीजें देखनी होती हैं। दे यूजुअली हैव यूनोकुलर विजन उनका जो सिंगल विजन है यूनिकॉकुलर है एक ही डायरेक्शन में एक्सेप्ट फॉर द बर्ड्स ऑफ पेट आउल लेसर डिग्री हॉक ईगल्स वगैरह जिनके दोनों तरफ एक इस साइड पर आई एक इस साइड पर ज्यादातर जो बर्ड्स होते हैं उनका अगर हम फेस देखें तो फ्रंट में ही आई होती है जिससे उन्हें यूनाकुलर विजन मिलता है सॉरी uh, उनके साइड्स पर आई यूज़ होती है जैसे अगर पिजन है एक आंख इस तरफ है तो वो इधर का ही देख पाएगा दूसरी आंख दूसरी साइड पर तो वो उधर का ही देख पाएगा सो दट इज यूनोक्युलर विजन

जो है वो आई की प्रोटेक्शन का काम करती है द द बॉडीज आर वेल विद एक्स्ट्रा मसल चेंज शेप ऑफ द कॉर्निया कॉर्निया की शेप चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉसिबल होता है होता है सिलियरी बॉडीज इनकी सिलियरी बॉडीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है उनके जो सिलेरी मसल्स है उनमें बहुत सारी एक्स्ट्रा मसल्स है सो दैट वन दे आर एट हाइट और एयर प्रेशर की वजह से वेन स्पीड की वजह से अगर कुछ भी लगे तो उसमें यह अपनी, आईस, अपनी की आईजन कॉर्निया की शेप इमिजिएटली उसको एक्सटेंड रिलैक्स या एक्सपैंड कर सकती है दस प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर अकोमोडेशन इन बर्ड्स इन कंपेरिजन टू मैमल्स अकोमोडेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसिस जैसे हम हैं हम लोग पास की चीज़ पर भी फोकस कर सकते हैं दूर की चीज़ पर मतलब हमारी आई की जो फोकल लेंथ है बेटा वो फिक्स नहीं ठीक है वेरज अगर आप हम कोई स्पेक्टिकल्स यूज करें कोई ग्लासेस यूज करें उनकी जो फोकल लेंथ है जो पावर है वो फिक्स्ड है लेकिन नेचुरली जो हमारी आईज है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं है हम एक पास में पड़ी हुई चीज़ पे भी फोकस करके देख सकते हैं दूर में पड़ी हुई चीज़ के भी और बर्ड्स में हमारे कंपेरिटिवली मैमल्स से भी ज़्यादा पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स्ट्रा मसल्स इन द सिलियरी बॉडीज इन बर्ड्स ऑफ डाइर्नल हैबिट द कॉन्स प्री डोमिनेट वायल द रोड्स प्री डोमिनेट इन नॉक्टर्नल बर्ड्स रॉड्स और कॉन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो रेडेना पे प्रेजेंट होते हैं जो रात में उठने वाली बर्ड्स है जैसे कि आउल्स वगैरह तो उनके अंदर मेनली

ये एक फैन शेप स्ट्रक्चर है विथ एक्सटेंड इन टू द पोस्टीरियर चैम्बर फ्रॉम द पॉइंट एट विच ऑप्टिक नर्व इमर्जेस फ्रॉम रेटिना यहीं से ऑप्टिक नर्व इमर्ज होती है और यहीं पर इनका एक पेक्टिन वाला रीजन प्रेजेंट है इट इज़ वेल डेवलप एंड बिलीव टू एड इन परसेप्शन ऑफ मूवमेंट एंड एक्ट एज अ सप्लीमेंटिव न्यूट्रेटिव डिवाइस फॉर द रेटिना तो ये इमेज को परसीव करने में हेल्प करता है प्लस ये इनके मान सकते हैं कि ये रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ठीक है सो दिस वॉज अबाउट द आई ऑफ अ बर्ड दिस इज अ डायग्राम जिसमें आपको सारी चीजें बनाई हुई हैं अब हमारी जो आई होती है वो नियरली स्फेरिकल होती है लेकिन इनकी जो आई है वो स्फेरिकल ना होकर नियरली थोड़ी सी कॉन्केव शेप्ड है ठीक है जी तो यहाँ पे आप एक सिंपल डायग्राम्स बना सकते हो और ये मसल्स मतलब कि दीज आर द सिलियरी बॉडीज या सिलियनी मसल्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द जॉ सस्पेंसोरियम इन वर्टिब्रेट्स तो बेसिकली हमें वर्टिब्रेट्स का जो जॉ सस्पेंशन होता है वो कैसा होता है उसके बारे में पढ़ना है द टू पिलाटो कॉर्डिट्स ऑफ द मैंडेबुलर आर्क ग्रो अलॉन्ग द इंटीरियर और अपर मार्जिन जो हमारा अपर पैलेट होता है ना जैसे हमारा जो जॉ है ये हो गया हमारा अपर जॉ ये हो गया हमारा लोअर जॉ तो ये जो अपर जॉ है यहाँ पे दो पैलेट्स uh, होती हैं जो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई है ठीक है द टू पैलेटोकॉर्ड्स ऑफ द मैडिबुलर आंख डॉर्सल पार्ट ऑफ द फर्स्ट विसरल ग्रो अलॉन्ग द इंटीरियर और अपर मार्जिन ऑफ द मोहती है अपर मार्जिन में ग्रो करती हैं एंड यूनाइट विद वन अनदर इन द मिड लाइन टू फॉर्म द अपर जॉ और ये दो पैलाटोकॉर्डेट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर क्या बना देती हैं बना देती हैं हमारा पूरा अपर जॉ सिमिलरली द मेकल्स कार्टिलेज ऑफ द मैंडिबुलर आखल्टल पार्ट ऑफ द फर्स्ट विसरल ये जो था मैडिबुलर आखसल पार्ट और ये जो है मैंडिबुलर आँख जो मेकल कार्टिलेज की हम बात कर रहे हैं वो है हमारे वेंट्रल पार्ट में ठीक है एक्सटेंड अलोंग द लोअर और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द माउथ एंड यूनाइट एंटीरियरली इन द मिड लाइन टू फॉर्म लोअर जॉ और ये वाला जो पार्ट है वो ज्वाइन होकर क्या बना रहा है लोअर जॉ द क्वाड्रेट पोर्शन ऑफ द प्लाटो कॉर्डरेट हेल्प इन द सस्पेंशन ऑफ द जॉ टू द स्कल जो क्वाड्रेट पोर्शन होता है वो हेल्प करता है जॉ को स्कल के साथ ज्वाइन करने में अटैच करने में और इस क्वाड्रेट पोर्शन को हम बोलते हैं सस्पेंसोरियम ठीक है थेके? तो बेसिकली जो दो प्लाटो कॉर्डेट्स हैं वो मिलके पहले बना रही है हमारा अपर जॉ मेके कार्डिलेट जो है मैंडिबुलर आग के वो मिलके बना रहे हैं हमारा लोअर जॉ सो so, अब जो अटैचमेंट होती है ना जो जॉस स्कल से जो अटैच्ड होता है वो किसके थ्रू है सस्पेंसोरियम के थ्रू और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो हमें अटैचमेंट है ना वो अलग अलग वे में नजर आएगी तो दैट इज मेन अबाउट द जॉ सस्पेंसोरियम इन द दर्लियस्ट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जॉस आर नैथोस्टम टू द स्कल बाई मीन ऑफ लिगमेंट जॉस जो थे वो स्कल के साथ अटैच होते थे लगमेंट की फॉर्म में लिगमेंट की हेल्प से तो उस कंडीशन को हम बोलते थे ऑटोडाइस्टेलिक टाइप ऑफ सस्पेंसोरियम शार्क्स में अगर हम देखेंगे अपर जॉ इज जॉइ ब्रेजेंस द स्कल एंड अटैच टू द एट द पोस्टीरियर एंड अपर जॉ जो होता है वो स्कल के

स्कल के साथ अटैच है तो इस टाइप के अटैचमेंट को हमने क्या बोला एम फी स्टाइलिक सस्पेंस नेक्स्ट टाइप पर अगर हम देखें इन मोस्ट लिविंग फिशेज द अपर जॉ इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम जो अपर जॉ है वो क्रेनियम के पार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है बट बाय लिगमेंट्स एंड द बैक पोर्शन इज अटैच टू द हाओ मैडोला ऑफ द हाउड आंक तो बेसिकली अपर जो है अपर जॉ जो, जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है क्रीनियम के साथ लेकिन किसके थ्रू अटैच है लिगमेंट्स के थ्रू अटैच है प्लस उसका जो बैक पोर्शन है वो हायो मैंडोला आपकी हेल्प से अटैच कर रहा है लोअर जॉ को और क्रेनियम को तो अगर आप यहाँ पे इसको देखो ये जो हायो मैंडिबुला आके ये हायो मैंडिबुला कहाँ से ओरिजिनेट हुई है हाओडाक से जो भी हम हायोटिक आग पढ़ रहे थे वहाँ से ये ओरिजिनेट हुई है हा, हायो मैंडिबुला आग के थ्रू ये कनेक्टेड है किससे हमारे क्रीनियम वाले पार्ट से प्लस लोअर के साथ भी अटैच्ड है ठीक है सो दिस इज स्टाइलिकलिकलिकलिकलिकल सस्पेंसोरियम इन टेट्रापोस कैमराज लांगफिज द अपर जो इज डायरेक्टली फ्यूज विद द स्कल द दायो मैंडिबुला इज नॉट इन्वॉल्व लेकिन अगर हम कई टेट्रापॉड जैसे कैमरा लंग फिशेज वगैरह की बात करें तो वहाँ पे हायो मैंडिबुला प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पे सेल्फ ब्रिसंग होती है ठीक है जो अपर जो है वो डायरेक्टली फ्यूजड है स्कल के साथ ऐसे को हम बोलेंगे ऑटोस्टाइलिक सस्पेंसोरियम अगर आप यहाँ पे देखो ये जो अपर जो है ये स्कल के साथ कनेक्टेड है और ये हायो मैंडिबुला इसको कोई कनेक्ट नहीं कर रही इसको ज्वाइन नहीं कर रही ठीक है सो इस टाइप का हो जाएगा सेल्फ ब्रेसिंग तो मतलब ऑटो खुद से अटैच्ड है वो द एलिमेंट्स ऑफ द हाउोड आर्क आर दस रिलीज फ्रॉम फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन प्रोवाइडिंग द सस्पेंसोरियम आर इन कॉपोरेटेड इन द मिडिल ईयर एज ऑसिकल तो यहाँ पे जो मैंडिबुला पार्ट इन्वॉल्व नहीं है हायोड का तो वो अब कहाँ जाएगा वो पार्टिसिपेट करेगा मिडिल ईयर में और ईयर बोन्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म में टेट्रापॉड्स काइप्राज लंग फिश वगैरह ठीक है द ब्रांल आर्क अलाउज डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फैरिंग्स इन फिशेज और यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रांकियल आर्थ की बट दट इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमारे कंसर्न में नहीं है सो यू कैन लीव दिस दिस पार्ट बट अगर हम जॉ सस्पेंसोरियम की बात करें तो सस्पेंसोरियम क्या होता है हमने वो डिफाइन कर लिया तीन टाइप के जॉ सस्पेंशन कौन कौन से हैं एम फी स्टाइल हाइलो स्टाइल एंड ऑटो स्टाइल सो दिस वॉज अबाउट जॉ सस्पेंसोरियम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द थ्री स्टेजेस थ्री स्ट्रैटेजीज ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट टेक्स प्लेस इन एम्ब्रियो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड विद दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सो विद दिस I'm ending the video all the best for your exam study well do like share subscribe and keep studying all the best